अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं करने लगी, मैं सिर्फ आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हम नए नए यूट्यूबर्स हैं और हम लोगों को भी सपोर्ट की ज़रूरत है। और आजकल देखिए, लोग जो हैं क्या देखना पसंद करते हैं क्या नहीं, ये भी हमें आप लोग ही बताएंगे। और जहाँ तक रही मेरी बात, बहुत क्रिटिसाइज हो रही हूँ अपनी फ्रेंड से, और बहुत ही मुझे अपने फैमिली से भी सुनने को मिल रहा है, और मेरी फ्रेंड्स कुछ सपोर्ट भी करती हैं और कुछ मुझ पे क्रिटिसाइज करती हैं कि तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो, ये वो। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मुझे यहाँ तक बोल रहे हैं, कहना नहीं चाहिए, कि आप दोस्तों की तरह, यानी कि हमारे साथ फ्रेंडशिप कर ले तो आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। अगर ये सब करना एक यूट्यूब को ग्रो करने के लिए ज़रूरी है, तो इसका मतलब सबने ये किया होगा ग्रो करने के लिए। और अगर सबने किया एक बार के फेम के लिए, तो फिर ऐसे फेम का क्या फ़ायदा? मैं टिकटॉक भी बनाती हूँ, मुझे वहाँ भी काफ़ी ये क्यों है आती हैं कि आप ऐसे ये काम करें तो आप वायरल हो जाएंगी, आप अपना शो अपने आप को शो शो करें, यानी कि जो भी लड़की की एक शर्म हया होती है वो हटा दें। तो ऐसे अगर वायरल होते हैं तो फिर यूट्यूब का क्या फ़ायदा? यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर हमने अपना आप अपनी प्राइवेसी अपना अपनी बॉडी दिखाकर ही वायरल होना है, तो हमारा 2 साल 3 साल मेहनत करने का फ़ायदा क्या है? आप मैं ये नहीं कह रही कि आप उन लोगों को और ज़्यादा वायरल यानी कि फेमस कर रहे हैं जो पहले फेमस है। हाँ, करें उनको, वो पहले से फेमस हैं, करें, लेकिन उनको भी आप लोग सपोर्ट करें जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं। बहुत से यूट्यूब ग्रुप्स भी हम लोग ज्वाइन करते हैं और बहुत कुछ होता है, नेट पे सर्च करते हैं कि कैसे वीडियो वायरल करें, या कुछ लोग मुझे इवन कि यहाँ तक भी बोला जाता है कि आप ना बनाया करें, आप सही तरह नहीं बात करती। ठीक है, मैंने सब कुछ अवॉइड किया। ठीक है, मेरा फेस अल्लाह ताला ने मुझे अच्छा दिया है, तो हर कोई ये समझता है कि फेस अच्छा है तो देख के पागल हो जाते हैं। अगर फेस अच्छा है तो उसको उसकी एक पहचान बनाने में उसकी मदद करें ना, उसको गलत नज़रों से, गंदी नज़रों से क्यों देखते हैं आप लोग? और जिससे भी हेल्प मांग लोगे, यार हमारी वीडियो शेयर कर दें, या कोई भी बाहर का फ्रेंड, फेसबुक फ्रेंड, बाहर का कोई भी आपके फेसबुक पे ऐड हो, उसकी भी यही डिमांड होती है, हमसे फ्रेंडशिप कर लो, हमसे ये कर लो, हमसे वो कर लो। यार लड़की है, कोई नुमाइश का सामान तो नहीं है।
अगर नुमाइश का सामान है तो आपके घर माँ बहनें बैठी हैं, आप लोग उनके साथ ये सब करो ना, या उनके साथ कोई और करे तो फिर आपको सबक मिलेगा। ठीक है, मैं कोई दुनिया में ये दिखाने वाली नहीं आई कि मैं दुनिया को सही कर दूँगी। हमें अपने माशरे को सही करना है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ तक पहुँची हूँ बिना ऐसे कोई काम किए, और मैं आगे भी बिना ऐसे कोई काम किए ही जाऊँगी। मैं सिर्फ ये उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ जो ये समझते हैं कि लड़की को कैसी भी बात कर लो वो कुछ नहीं कर सकती, उसके पास कुछ नहीं है, वो मजबूर है, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा लो। और फिर ये धमकियाँ दी जाती हैं कि आपका चैनल ब्लॉक कर देंगे, आपको ये कर देंगे। कुछ जो है फैमिली इश्यूज भी होते हैं कि हम नहीं कर पाते, या कोई प्रॉब्लम होते हैं। जैसे हमने ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, हम लोग जो है उन पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, तो वहाँ से भी हमें जो है ये कहने को मिलता है कि हाँ सब करते हैं, आप लोग नहीं करते। ठीक है ना, बाकी सब की वीडियोस उन्हीं ग्रुप्स में वायरल होती हैं, और हम जैसे लोगों की वीडियोस वायरल नहीं होती हैं, क्योंकि हम से सिर्फ काम लिया जाता है और हमें कोई अहमियत नहीं दी जाती। हम 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, और जब कोई ऐसा बंदा मिल जाता है कि जिसको भी यूट्यूब के बारे में पता हो, जो काम करता हो, वो बगैर पैसे लिए काम नहीं करता। आप इतने पैसे दे दें आपके व्यूज़ हो जाएंगे, आप इतने पैसे दे दें आपके चैनल ग्रो हो जाएगा। तो ठीक है, हम न्यू यूट्यूबर्स हैं, हम नए नए मोनेटाइज हुए हैं। अगर मोनेटाइजेशन के बाद भी ये सब कुछ हमें पेमेंट करके ही करवाना पड़े तो हमारी इतनी मेहनत का फ़ायदा क्या है, ये बता दें आप मुझे। और वो जो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं कि आपको लोग देख रहे हैं, आपको अल्लाह को जवाब देना है, फिर तो ऐसे तो पूरी दुनिया को देना है। अगर बहुत डिग जाए तो फिर तो हमें टीवी भी नहीं देखना चाहिए, गाने भी नहीं सुनने चाहिए, हमें दूसरों को अप्रिशिएट भी नहीं करना चाहिए कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। ये बात है ना, क्यों हम दूसरों के लिए पसंद करते हैं, वो अपनों के लिए क्यों हम ना पसंद करते हैं। हम दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं, यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है, और वही काम आपका कोई अपना करे, आपकी कोई फ्रेंड करे, या कोई भी करे, मेरे जैसी लड़की लेना, ठीक है, आई एम नॉट अ परफेक्ट, ठीक है। मुझे ही क्यों बार बार ये कहा जाता है कि तुम सही काम नहीं कर रही, क्या मैंने अपना शो ऑफ किया है, या मैंने अपने मजहब का ध्यान नहीं रखा है, या मैं बगैर यानी कि छोटे कपड़ों में आ गई हूँ। ये सब आपके दिमाग का जो है गंध है, और इस जो है ना गार्बेज को आपको ही ख़त्म करना है, कोई नहीं करता। और जहाँ तक रही मेरे चैनल की ग्रो होने की बात, और जिन्होंने भी मुझे ये बोला है कि आप जो है अमरजा फ्रेंडशिप कर लो, आपका 6 दिनों में ग्रो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होना करना होता तो मैं बहुत पहले कर चुकी हूँ।
तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए, और सिर्फ उनको ही सपोर्ट नहीं करते रहना चाहिए जो आगे बढ़ चुके हैं। वो तो आगे बढ़ चुके हैं, उनको आपने देखने देखना है, वो आपके फेवरेट हैं, लेकिन उनको भी सपोर्ट करें जो इतनी मेहनत कर रहे हैं और इन जैसे लोगों के मुंह बंद कर रहे हैं, जो है हरेस करते हैं लोगों को कि आप ऐसे कर लें तो आपका चैनल ग्रो हो जाएगा, आप ऐसे कर लें। ऐसे लोग पैदा ही ना हो कि अब हम हमारे देखने वाले ही हमें सपोर्ट करें, हमें आगे खुद ही हमारी वीडियो को शेयर कर दें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हर छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट करें ताकि वो किसी गुनाह की तरफ ना जाए और अपना काम दिल लगा के करें। बस इतनी सी बात थी, आई होप आपको मेरी बात कुछ समझ आई होगी। अगर कोई बात बुरी लगी है तो आई एम सॉरी, लेकिन मुझे काफ़ी अरसे से इस टॉपिक पे बात करनी थी, पर मुझे नहीं लगा कि कोई मेरी बात सुनने पे जो है इतना एग्री करेगा। जब तक देखें, आप ही हमारी ताकत हैं, अगर आप ही हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऐसे हरेसमेंट वाले लोगों को शह मिलेगी कि हम जो मर्ज़ी कह दें, जो मर्ज़ी कर लें, हम जो है कुछ भी कह दें इसको अपना चैनल ग्रो करने के लिए, आखिरकार हमारी बात माननी ही पड़ेगी। तो जब आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो ऐसे लोग क्यों हमें तंग करेंगे? अगर ऐसे चैनल और टिकटॉक ग्रो करवाने हों तो हज़ारों लड़कियां करवा सकती हैं। ये फेम हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन इज्जत से ग्रो करेंगे हम लोग तो वो लोग हमें जाने के बाद भी याद रखेंगे, कि अगर हम यूट्यूब छोड़ भी देते हैं फिर भी लोग हमें याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ, मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में नए व्लॉग और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आगे आप कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू।